प्राइवेट पार्ट में दुबई से छिपाकर ला रहे थे सोना, लखनऊ में दो तस्कर हुए गिरफ्तार। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, पश्चिम यूपी और उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी, भारी भूस्खलन जैसे बन सकते हैं हालात। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में होंगे शामिल। सीएम योगी ने अपनी सरकारी आवास पर सेफ सिटी और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के संबंध में की बैठक। पहले डाटा फिर माइक तोड़ दिया दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के सवाल पर भड़के बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह। वाराणसी में ज्ञानवापी सिंगार गौरी समेत 10 मुकदमों की सुनवाई होगी आज। सहारनपुर अंबाला के बीच 40 ट्रेन हुई रद्द, 20 कॉलोनियों में धमोला और पावधोई नदी का पानी घुसा। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर, कार ने 8 लोगों को मारी टक्कर, हादसे के बाद कार सवार ने की भागने की कोशिश। यूपी के बहराइच में बजरंग दल के जिला संयोजक दीपक श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला, दीपक पर अज्ञात लोगों ने सिर पर रॉड और लाठियों से वार कर हमला किया। कुर्क होंगे रशियन बिल्डिंग के 46 फ्लैट, रशियन दंपति ने अवैध रूप से किया था अपार्टमेंट का निर्माण। अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई आज, सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई, निचली अदालत से मिली है 4 साल की सजा। प्रेमी ने शादी से किया इनकार, युवती ने थाने में खाया जहर, 1 साल पहले दोनों ने की थी कोर्ट मैरिज, उन्नाव का मामला। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के साथ जाना हुआ पक्का, 18 को लगेगी मोहर, एक सर्वे की बात करीब आए दोनों दल। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर और अली की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, उमर और अली ने जेलों में सुरक्षा की मांग की। लखनऊ रायबरेली हाईवे पर अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई आकर बेटी का धर्म बदल कर करा दो निकाह, संजय नाम बताकर लड़की को ले गया अली खान। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए चुकाना होगा 3900 रुपए का टोल, 6 प्लाजा पर कटेगा टैक्स। टमाटर की कीमतों ने लगाया दोहरा शतक, खाने की थाली सलाद एवं पिज्जा से हुआ गायब। ट्रांसफार्मर के जाल में उतरा करंट, सांड की मौत हुई, लोगों में बनी रही दहशत। फ्लाईओवर की दीवार से टकराई कार, माता पिता की हुई मौत, बेटे की हालत है नाजुक।